Hello friends, this is Sneha Shah from the YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. Today in this video we are going to learn tenses. Tenses are mainly of three kinds, that is present, past and future. Out of which today we are going to learn present tense. In present tense also there are four sub tenses. But aaj hum present continuous tense padhenge pehle. So when do we use present continuous tense? It is used for the actions which are continue right now. जो action अभी ही चल रही है ऐसा हमें दिखाना है उसके लिए हम ये tense use करते. For example, रोहन अभी दौड़ रहा है. क्या तुम खाना पका रही हो? हम अभी हमारा homework कर रहे हैं. ये सारी actions में आपने notice किया हो तो action continue है, इसीलिए present continuous tense का use होगा. अभी कोई भी सेंटेंस आपको फॉर्म करना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. तो इसमें एफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेट है ईजेमर प्लस आईएनजी वर्ब. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव है, जैसे रोहन अभी दौड़ रहा है. उसमें अगर ऐसा होता कि रोहन अभी नहीं दौड़ रहा है तो वो क्या हो जाता? नेगेटिव. उसमें हम नॉट अप्लाई करते बीच में. तो इसके साथ साथ हम नेगेटिव का फॉर्मेट भी सीखे, इज एम आर प्लस नॉट प्लस आई एन जी वर्ब. नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस. क्वेश्चन में भी फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है, इज एम आर प्लस आई एन जी. बट द मेन थिंग यू हैव टू फॉलो इज जो इज एम आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा. विल बी लर्निंग इट वेल विद द एग्जाम्पल्स. ये फॉर्मेट आपको साथ साथ में लिखते जाना है नोटबुक में एंड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी. एफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव. जैसे आपको कहना है कि राहुल अभी खेल रहा है तो राहुल इज प्लेइंग नाउ. फॉर्मेट क्या था? इज एम आर प्लस आई एन जी. राहुल के साथ क्यों इज आया? बिकॉज वो ही है. आपको पता ही होगा कि ही शीट के साथ हम ईज करते, आई के साथ एम, यू वी थे हो तो आर. राहुल इज प्लेइंग नाउ. ही इज गोइंग टू स्कूल एट द मोमेंट. सी दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स. नाउ है, एट द मोमेंट है, राइट नाउ है. ये सब पे से पता चलता है कि एक्शन अभी चालू है. लिसन, द बेबी इज क्राइंग. अभी रो रहा है बेबी. इसके लिए उसके लिए कौन सा टेंस आएगा? Present continuous tense. They are drawing a picture right now. Now what if you want to form the negative sentence? It is very easy. Is am are plus ing के बीच में not लगा दो. जैसे I am not doing anything now. मैं भी कुछ भी नहीं कर रही. Isn't playing badminton. वो badminton नहीं खेल रहा है. She is not cooking food. वो खाना नहीं पका रही है. Raghav is not beating him. Raghav उसे नहीं मार रहा है. ये सारे नेगेटिव थे. नेगेटिव में सिंपल हमने इज एम आर उसके बाद नॉट लगा दिया और प्लस आई एन जी वर्ब. नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव. क्वेश्चन करना है तो क्या? मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले इज एम आर आएगा. इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो आई एन जी वाला वर्ब हम लेते हैं वो मेन वर्ब है. तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर ले लेंगे? सब्जेक्ट के आगे. अभी आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? क्या आप फ्लोर मॉप कर रहे हो? आर यू मॉपिंग द फ्लोर? मतलब क्या आप पोछा लगा रहे हो? इज ही गोइंग टू ऑफिस नाउ? क्या वो अभी ऑफिस जा रहा है? सी, ये सारी एक्शंस में हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये एक्शंस अभी कंटिन्यू है. आर दे मेंडिंग शूज? क्या वो शूज रिपेयर कर रहे हैं? दिस वॉज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी. और साथ साथ में अगर आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक इट. चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भेजिए. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते थे? जब कोई एक्शन अभी भी चालू है. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज, लाइक्स डिसलाइक्स, हैबिचुअल एक्शंस एज वेल एज यूनिवर्सल ट्रूथ.
व्हाट डू यू मीन बाय रूटीन एक्टिविटीज़ जो रोज़ होती है, जैसे कि मैं रोज़ वॉक पे जाती हूँ 5 o'clock को, या तो हम रोज़ योगा करते हैं, ये सारी रूटीन एक्टिविटीज़ है। लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, ये सब के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फिर हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन मतलब उसे टॉबे को चबाने की हैबिट है, या वो स्मोकिंग करता है, या तो उसको देर से उठने की हैबिट है, ये सारी हैबिचुअल एक्शंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो एक टाइप का यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 degrees Celsius, वाटर 100 degrees Celsius पे बॉइल होता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो वो सारी चीज़ें किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेडिंग के अंदर। ओके, सो उसके लिए भी फॉर्मेट अलग होता है। सी देर आर 12 टेंसेस इन ऑल, और सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। यू हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट्स टू मेक द सेंटेंस। आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, यू कैन कमेंट मी, मैं वो डाउट आपका इमीडिएटली शॉर्ट आउट करूँगी। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 3 अलग अलग, एफर्मेटिव का अलग फॉर्मेट है, नेगेटिव का अलग है, और इंटरोगेटिव का भी अलग है। एफर्मेटिव में क्या है, एस और यस वर्ब, मतलब आपका अगर वर्ब क्राई है तो उसका एस और यस लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, क्राइस। और वी वन मतलब सेम, क्राई का क्राई, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, राइट, वी वन राइट है, मतलब इसे रूट फॉर्म कहते हैं। वी वन को क्या कहते हैं, इट इज रूट फॉर्म। बट उसका एस और यस क्या होता है, राइट्स। तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि कब लेना है एस और यस और कब वी वन लेना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब आपको उतना डीपली नहीं सोचना है, ही शी इट है, ही शी या इट है, तो एस और यस वर्ब ले लो, और उसके अलावा का कोई भी सब्जेक्ट है तो वी वन ले लो। मतलब मानो कि रोहन है, तो रोहन किस में आएगा, ही में, तो उसके लिए राइट्स लेंगे। ओके, बट रोहन एंड सोहन है तो वो दे हो गया, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, राइट, मतलब कि वी वन रूट फॉर्म। ये था एफर्मेटिव का फॉर्मेट। बट नाउ वी हैव टू सी ऑफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाना है, जैसे रोहन सुबह में जल्दी नहीं उठता है, ये उसकी हैबिट है, ये बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, डजंट प्लस वी वन, ये मैंने अब्रीवेटेड फॉर्म लिखा है, आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, डज नॉट प्लस वी वन। सी, ये कॉमन मिस्टेक है, डस कब ले, मतलब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डस लिया है तो भी यहाँ पे एस और यस ले लेंगे, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपने डस लिया है तो यहाँ पे एस और यस नहीं लेना है, वी वन ही लेना है। और डस कब लेना है, जब ही शीट हो तो, मतलब कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको ही शीट लेना है, डस लेना है, अदरवाइज डोंट, मतलब कि डू नॉट। ही शी इट हो तो डज लो, अदरवाइज डू लो। मतलब जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है तब आपको डू लेना है, और डू के साथ भी वी वन जाएगा। नेगेटिव है, इसके लिए नॉट तो रखेंगे ही। आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डजंट डोंट लिखो, अदरवाइज आप डज नॉट डू नॉट ऐसे सेपरेटली लिख सकते हो। वर्ब का तो एक ही फॉर्म है, वी वन, दोनों में, अगर ही शीट है तो भी, और ही शीट के अलावा का है तो भी। नाउ व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव, क्वेश्चन में भी सेम है, ही शीट है तो डज लो, अदरवाइज टू लो। और हमने आगे भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है क्वेश्चन में, तो सब्जेक्ट के पहले। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टेंस का कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, वो सारे हेल्पिंग वर्ब है, वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे जाएंगे। अभी ये तो हमने फॉर्मेट देखे, फॉर्मेट से आपको 100% समझ में नहीं आता, यू हैव टू सी द एग्जांपल्स। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। हमने सीखा था कि रूटीन एक्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही वेक्स अप एट 5 o'clock डेली, तो ये उसकी रूटीन एक्टिविटी है, वो रोज़ 5 बजे उठता है, ठीक है। तो मैंने एस वाला क्यों लिया, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर ही शीट है तो एस लो, इसके लिए वेक के पीछे मैंने क्या लगा दिया, एस। ही वेक्स अप एट 5 o'clock डेली, देन दे गो टू स्कूल एट 7 o'clock, ये भी रूटीन एक्टिविटी हो गई कि रोज जाते। ओके, तो गो क्यों लिया मैंने, गो क्या है, रूट फॉर्म है, वी वन है,
को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ही शी इट नहीं है, दे है, इसीलिए गो। अगर ही शी या इट होता तो क्या लेते? गोज लेते, है ना। ओके, ही स्मोक्स, ये उसकी एक हैबिट है, हमने देखा था हैबिचुअल एक्शन है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और ही है इसके लिए मैंने एस लगाया पीछे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। अर्थ, अर्थ क्या है? ईट है, ईट है, इसके लिए क्या आएगा? एस आएगा, मूव्स। ओके, ये तो अफर्मेटिव थे। अभी क्या करना है आपको, अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए हर एक टाइप के टेन टेन सेंटेंसेस बना दो। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा, तो उसके अफर्मेटिव का टेन बनाओ, नेगेटिव का टेन बनाओ, इंटरोगेटिव का टेन बनाओ। इन द सेम वे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करो। फिर आपको डाउट पड़ता है तो आप हिंदी में या गुजराती में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगी, ठीक है ना। ओके, चलो अभी नेगेटिव देख रहे हैं। नेगेटिव में कुछ चीज़ नहीं होती, जैसे वो स्मोकिंग नहीं करता है, वो उसकी हैबिट नहीं है, तो ही डजंट स्मोक। फिर वो अपना काम टाइम पे नहीं करते, ये उनकी हैबिट है, हैबिट है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं। और दे है, इसके लिए डू ले रहे हैं। अगर ही शीट होता तो डस लेते, बट दे है, इसीलिए क्या लिया? डू। दे डोंट डू देयर वर्क ऑन टाइम। आई डोंट लाइक टू टॉक विथ हर, मुझे उसके साथ बात करना पसंद नहीं है, ये हमेशा की बात है। तो क्या आएगा? डू। आई है, इसके लिए डू लिया। नेगेटिव है तो नॉट लेना तो बनता ही है। ओके, आवर टीचर डजंट कीप एनी हॉलीडे, हमारे टीचर कोई भी हॉलीडे नहीं रखते हैं। तो आवर टीचर, सी टीचर इज अ कॉमन जेंडर, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बट और पर ही और शी दोनों के साथ क्या आता है? हैज, डज आता है। इसके लिए यहाँ पे क्या लिया? डस। मैंने आगे भी आपको बताया था, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, डस के साथ हमेशा वी वन आएगा, ये कॉमन मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं, आगे डस तो लिखेंगे ही और पीछे कीप्स लिखेंगे, सो ये नहीं करना है। डस के साथ हमेशा क्या आएगा? वी वन, ठीक है। सो कीप्स नहीं लिखा है मैंने, कीप लिखा है। क्वेश्चन में भी सेम रूल है, डस के साथ वी वन। नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तब आपको एस और ये एस के बारे में सोचना ही नहीं है। ये मिस्टेक्स आप कब करोगे? टेंसेस की ब्लैंक्स में खास करके आता है, या तो फिर आप क्वेश्चन में से आंसर बना रहे हो, कुछ भी। सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स को सबके लिए, राइटिंग पार्ट है या ग्रामर पार्ट है या आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, टेक्स्ट है, कुछ भी है, बट टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव नहीं आएगा। तो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव। अभी इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्या वो रोज स्कूल आता है? तो डज ही कम टू स्कूल डेली? क्यों मैंने डज लिया? अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ही है। आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कम्स नहीं लेना है, कम लेना है, क्योंकि आगे हमने डज ले लिया है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, डू अमन एंड नव्या विजिट यू रेगुलरली? क्या वो आपको रोज मिल, मतलब रेगुलरली मिलने आते हैं? तो यहाँ पे तो अमन के लिए क्यों डू लिया, डज क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अकेला अमन नहीं है, अमन नव्या दोनों है, मतलब इसका प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा। तो हमने आगे भी सीखा था कि दे है तो क्या आएगा? डू, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है, योर होमवर्क इज ये सारे जो सीखे हमने सेंटेंसेस, उसके सबके एटलीस्ट 5-5 एग्जांपल्स बनाओ, और कुछ भी डाउट है तो मुझे शेयर करो। आगे के जो टेंसेस बाकी है, 10 टेंसेस, वो आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, सी यू सून।